और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो इस वक्त आ रही है सासाराम से, जहां वाहन चेकिंग के दौरान 3 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। मुफस्सिल थाना के तारा चंडी के पास से कैश बरामद किया गया है। तो सासाराम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वाहन चेकिंग के दौरान 3 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। मुफस्सिल थाना के तारा चंडी के पास से ये कैश बरामद किया गया है। तो 3 लाख रुपए कैश बरामद किए गए वाहन चेकिंग के दौरान सासाराम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुफस्सिल थाना के तारा चंडी के पास से कैश बरामद किया गया है, 3 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं सासाराम से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमरजीत हमारे साथ जुड़े हैं। जी अमरजीत, वाहन चेकिंग के दौरान 3 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है, कल दूसरे चरण का चुनाव होना है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कहां ले जाया जा रहा था इन कैश को? जी पुलिस अपनी कार्रवाई है चुनाव को देखते हुए लगातार जो चेकिंग अभियान है लगातार जारी है। उसी के दरमियान मुफस्सिल थाना के तारा चंडी के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल से 3 लाख रुपए बरामद किया गया है और उसकी जांच अभी पुलिस कर रही है कि किस कारण से और कहां जा रही थी पैसा। छानबीन के बाद ही पता चल पाएगा कि पैसा किस काम से ले जाया जा रहा था। जी अमरजीत बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सासाराम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां वाहन चेकिंग के दौरान 3 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं पुलिस ने। आपको बता दें पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिरकार इन पैसों को कहां ले जाया जा रहा था।